नमस्कार, एसटीवी न्यूज ऑनलाइन में आपका स्वागत। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। विश्व हिंदू परिषद ने करवाया हाड़ौती बंद, व्यापारियों के साथ हुई झड़प, भारी जाप्ता रहा तैनात। उपचुनाव में हुआ युवा प्रत्याशियों का बोलबाला, 60 पार के चुनिंदा उम्मीदवारों ने ही पर्चे भरे। प्रत्याशियों ने समर्थन की लगाई गुहार, गली गली जाकर किया प्रचार। वी सतीश और धारीवाल ने भी किए दौरे। प्यार की खातिर फंदे पर झूली महिला कांस्टेबल, मौत से पहले का वीडियो हुआ वायरल। और अब समाचार विस्तार से। बूंदी में मानधाता छतरी मामले में विश्व हिंदू परिषद की ओर से हाड़ौती बंद करवाया गया। विहिप कार्यकर्ताओं द्वारा शहर भर में घूमकर प्रतिष्ठान बंद करवाए गए। इस दौरान कार्यकर्ताओं और व्यापारियों में कुछ स्थानों पर झड़प भी हुई। आज कोटा और हाड़ौती बंद के दौरान व्यापारिक प्रतिष्ठान, निजी स्कूल सहित ट्रांसपोर्ट कारोबार दिन भर के लिए बंद रहे। साथ ही पेट्रोल पंप भी 2 घंटे के लिए बंद किए गए। बंद के दौरान कई जगह व्यापारियों ने अपनी दुकानों को खोल लिया, जिसका विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। ऐसे में विहिप कार्यकर्ताओं और व्यापारियों में नोकझोंक हो गई। वहीं कोटा बंद के दौरान पर्याप्त जाप्ता तैनात रहा। छावनी, नयापुरा और स्टेशन इलाकों में कोटा बंद के दौरान हो रहे हंगामों को पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शांत करवाया। बंद के दौरान विहिप कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान विरोधी नारे भी लगाए। राजस्थान उपचुनाव में 3 स्थानों पर कुल 54 प्रत्याशियों ने दावा पेश किया है, लेकिन इनमें से सिर्फ 7 प्रत्याशी ही ऐसे हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है। राज्य में अजमेर और अलवर लोकसभा एवं मांडलगढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव में अजमेर में सबसे ज्यादा 25 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसके अलावा अलवर में 15 और मांडलगढ़ में 14 ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। वहीं नामांकन पत्र वापसी 15 जनवरी तक होगी। तीनों सीटों पर नामांकन पत्रों की जांच के बाद शेष रहे 54 उम्मीदवारों में से केवल 7 उम्मीदवार 60 वर्ष की उम्र से ज्यादा हैं। मांडलगढ़ में तो 48 वर्ष से अधिक आयु का कोई उम्मीदवार नहीं है। मांडलगढ़ विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने 40 वर्ष की उम्र के विवेक धाकड़ को और भाजपा ने 32 साल की आयु के शक्ति सिंह हाडा को प्रत्याशी बनाया है। उधर अजमेर में कांग्रेस के रघु शर्मा 59 और भाजपा के राम स्वरूप 31 साल के हैं। वहीं अलवर सीट पर दोनों प्रमुख उम्मीदवार 60 वर्ष से अधिक उम्र के हैं। यहां कांग्रेस ने 72 साल के करण सिंह यादव और भाजपा ने 64 वर्ष के जसवंत यादव को मैदान में उतारा है। कुल मिलाकर मांडलगढ़ में दोनों प्रमुख दलों के प्रत्याशियों सहित अलवर और अजमेर में निर्दलीय और अन्य पार्टियों के उम्मीदवार अपेक्षाकृत युवा हैं। हालांकि राजनीति में उम्र ज्यादा मायने नहीं रखती, और चाहे पार्टियां हों या सरकार, अनुभव के नाम पर बुजुर्ग नेता ही अधिकांश जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। अलवर लोकसभा सीट पर प्रत्याशियों के सघन दौरे जारी हैं। उनके पक्ष में समर्थकों और वरिष्ठ नेताओं द्वारा दौरे किए जा रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर करण सिंह यादव ने आज कई गांवों का दौरा किया। उन्होंने मतदाताओं से संपर्क कर समर्थन मांगा। कांग्रेस प्रत्याशी के साथ पार्टी जिला अध्यक्ष टीकाराम जूली सहित कई नेता मौजूद रहे। उधर पूर्व मंत्री शांति धारीवाल ने भी अलवर में जनसंपर्क किया। उन्होंने भाजपा सरकार पर कई आरोप लगाए और कहा कि व्यापारी वर्ग में कांग्रेस के प्रति रुझान नजर आ रहा है। वहीं भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर जसवंत यादव द्वारा भी सघन प्रचार जारी है। उन्होंने शुक्रवार को भी अपने दौरे जारी रखे। उनके समर्थन में पार्टी विधायकों ने भी अलग अलग दौरे किए। साथ ही भाजपा के सह संगठन मंत्री वी सतीश भी अलवर पहुंचे और चुनावी रणनीति का जायजा लिया। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के महिला थाने में तैनात एक महिला कांस्टेबल ने प्यार की खातिर पंखे से फंदा लगाकर जान दे दी। वहीं इस कांस्टेबल द्वारा खुद बनाए गए वीडियो वायरल हुए हैं, जिनसे पता लगा है कि वह किसी युवक से प्यार करती थी, लेकिन घर वाले उसके खिलाफ थे और उसकी शादी दूसरी जगह करवा दी। इस वीडियो में कांस्टेबल ने खुद और प्रेमी के साथ कोई अनिष्ट होने की आशंका जताई थी। मैं रोज पूरे होश और हवास में ये कहती हूँ कि मैं गुड्डू जी से प्यार करती हूँ, मेरे परिवार वाले कभी नहीं चाहते हम दोनों एक हुए। मेरे परिवार वालों ने गुड्डू जी से मुझे है ना मार के उन पर मारने की धमकी दी है, और मुझे जबरदस्ती उन्होंने जबरदस्ती करके मुकदमा दर्ज करने के लिए एप्लीकेशन लिखाई है। मैं रोज पूरे होश और हवास में कहती हूँ मैं हेमंत जी से प्यार करती हूँ और मेरे परिवार वाले मैं
दोनों को एक होने नहीं देते। मेरे परिवार वालों ने गुरु जी मतलब जी एक बार जान चमाने की धमकी भी दी है, एक बार गला भी दबाया मेरे आंखों के सामने, और मेरा मुझे है ना उनके खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज करने के लिए जबरदस्ती एक मुकदमा दर्ज करने के लिए अपलिकेशन लिखाई है, उनके साइन भी कराए। मैं मेरे परिवार के खिलाफ कभी कोई मेरे बीच में बात हो जाए तो गुरु जी का कोई दोस्त होगा, मेरे परिवार का भी हाथ होगा। मैं सरोज होश और हवास में कहती हूँ कि मैं और हेमंत जी एक दूसरे से प्यार करते हैं। मेरे परिवार वाले हम दोनों को कभी एक होना नहीं देते। मेरे परिवार वाले मुझे जोर जबरदस्ती एक रिपोर्ट लिखाई है, उसमें उनके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं। मेरे भैया सीला लमे चाचा जी पुखराम जी ने मुझे जबरदस्ती लिखाया। पौसिया पुलिस को सूचना मिली थी कि सिर्फ मंडी में रहने वाले संतार राम मेघवाल की बेटी सरोज मेघवाल ने खुद को कमरे में बंद कर रखा है और दरवाजा नहीं खोल रही। इस पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने किसी तरह दरवाजा खोला तो सरोज भीतर पंखे से फंदे पर झूलती हुई नजर आई। पुलिस पूछताछ में परिजनों ने बताया कि सरोज की शादी अक्टूबर 2016 में पुखराज मेघवाल के साथ हुई थी। शादी के बाद वह सिर्फ एक बार ही अपने ससुराल गई थी। परिजनों ने उसे दिमागी रूप से अस्वस्थ बताया, जबकि वायरल हुए वीडियो से उसके प्रेम प्रसंग की बात सामने आई है। वायरल हुए वीडियो सरोज ने किसी मॉल में बनाए थे। इनमें सरोज कहती नजर आ रही है कि वह हेमंत नामक युवक से प्यार करती है। गत 27 अक्टूबर को उसके सामने ही उसके भाई शिवलाल और चाचा पुखराम ने हेमंत के साथ मारपीट कर गला घोटने की कोशिश की थी। वीडियो के अनुसार चाचा और भाई ने उससे हेमंत के खिलाफ रिपोर्ट पर जबरन साइन करवाए और राता नाड़ा थाने में उसे भगा कर ले जाने का मामला भी दर्ज कराया। हालांकि पुलिस ने सरोज के बयान के आधार पर FIR भी लगा दी थी। वीडियो में सरोज ने खुद के साथ अनिष्ट की आशंका जताते हुए कहा कि उसके घर वाले हेमंत को भी फंसा सकते हैं। सरोज जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में वर्ष 2015 बैच की कांस्टेबल थी। वह इन दिनों महिला थाने में तैनात थी। वहीं महिला कांस्टेबल को प्रेमी रविदास नगर निवासी हेमंत का आरोप है कि घर वालों ने मिलकर सरोज की हत्या करके उसे आत्महत्या का रूप दे दिया है। आधुनिक भारत के प्रेरणा स्रोत और युग पुरुष स्वामी विवेकानंद की जयंती शुक्रवार को मनाई गई। इस अवसर पर विवेकानंद चौक पर विभिन्न संगठनों द्वारा स्वामी विवेकानंद की मूर्ति पर माल्यार्पण कर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी माल्यार्पण किया गया। इस दौरान भाजपा के सह संगठन मंत्री वी सतीश, राज्यसभा सदस्य नारायण पंचारिया, अलवर लोकसभा प्रभारी भजन लाल, जलदाय मंत्री सुरेंद्र गोयल, जिला अध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा, नगर विकास न्यास चेयरमैन देवी सिंह शेखावत आदि उपस्थित रहे। आज अखिल भारतीय युवा दिवस है। इस देश के महान संत, युवा शक्ति के प्रतीक, विश्व को एक नई राह दिखाने वाले हमारे स्वामी विवेकानंद जी का पावन जन्मदिन है आज। और आज का दिन पूरे विश्व में भारतवर्ष के साथ साथ युवाओं को संदेश देता है, देश की एकता का, अखंडता का, भारत माता की सेवा का और संस्कारों का। ये संस्कारों पर चलते हुए देश के युवा भारत माता को शक्तिशाली बनाने में, वैभवशाली बनाने में अपना पूर्ण योगदान करें, ये स्वामी विवेकानंद जी का संदेश है। और उन्होंने कहा है कि उठो जागो और लक्ष्य को प्राप्त करो, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, ये संदेश है स्वामी विवेकानंद जी का, उसको हम याद करते हैं। जिला अध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा ने बताया कि युवा शक्ति के प्रतीक स्वामी विवेकानंद द्वारा विश्व को एक नई राह दिखाई गई। देश के युवाओं को उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए उनके आदर्शों पर चलना चाहिए। गौरतलब है कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में पूरी दुनिया में अध्यात्म की आवाज बुलंद की थी। वे अलवर भी आए थे और जहां उनकी प्रतिमा है वहां उन्होंने प्रवचन दिए थे। गार्गी पुरस्कार और पद्माक्षी पुरस्कार समारोह का आयोजन अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर जिले में आगामी 3 फरवरी को किया जाएगा। शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने बताया कि इन 4 जिलों के अलावा शेष सभी जिलों में यह आयोजन पूर्व निर्धारित तिथि 22 जनवरी को होगा। यह कार्यक्रम जिला मुख्यालय और पंचायत समितियों में किए जाते हैं। भीलवाड़ा, अलवर और अजमेर में उपचुनावों के कारण आचार संहिता लागू है, इस कारण इन 4 जिलों में गार्गी एवं पद्माक्षी पुरस्कार समारोह 3 फरवरी को किए जाएंगे। श्री गंगानगर के एक गांव में जीप से नील गाय बांधकर उसे घसीटने का मामला सामने आया है। चालक ने काफी दूर तक नील गाय को घसीटा और घायल हालत में
फेंक दिया। कुछ लोगों ने इस नील गाय का उपचार किया लेकिन उसकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने आरोपी और रेंजर के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। इस मुद्दे पर फतुही गांव स्थित बिश्नोई मंदिर में समाज की बैठक हुई। इसके बाद कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। वहीं वन विभाग की नर्सरी में ग्रामीण पहुंचे और रेंजर को मामले की जानकारी दी। स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया कि चक 3D के किसान ने एक जिंदा नील गाय को जीप से पीछे बांधकर काफी दूर तक घसीटा और घायल अवस्था में फेंक दिया। लोगों ने नील गाय को फतुही गौशाला में लाकर उपचार शुरू किया लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। वहीं आरोपी किसान ने सफाई दी है कि आपसी लड़ाई के बाद एक नील गाय डिग्गी में गिरकर मर गई थी। शव उठाने वाला कोई नहीं था इसलिए आरोपी शव को बांधकर निर्धारित स्थान पर डाल गया था। उधर वन विभाग ने जीप बरामद कर मामला दर्ज कर लिया है। राजस्थान के कुछ इलाकों में भूकंप के झटके लगे। आज सुबह जालौर और आसपास के इलाकों में झटके महसूस किए गए। इसे कई लोगों ने महसूस किया। इसके बावजूद मौसम विभाग ने भूकंप आने की पुष्टि नहीं की है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर यह झटके किस तरह के थे। जालौर और आसपास भूकंप के झटकों की खबर सोशल मीडिया में अचानक फैल गई। इसके बाद लोग एक दूसरे से इस बारे में जानकारी लेते नजर आए। जालौर में कुछ इलाकों में शुक्रवार सुबह कोई आवाज आने से दहशत फैल गई। तेज आवाज के कारण लोग घरों से बाहर निकल आए। तत्काल यह खबर फैल गई कि भूकंप आया है और इससे लोग दहशत में आ गए। जालौर के रानीवाड़ा और जसंतपुरा में यह तेज आवाज सुबह 8:27 पर सुनाई दी। वहीं झटकों से किसी तरह के जान माल के नुकसान की भी फिलहाल खबर नहीं मिली है। जालौर और आसपास के इलाकों में भूकंप की खबरों को हालांकि मौसम केंद्र दिल्ली, मौसम विभाग जयपुर और भूकंप मापी केंद्र अजमेर ने पूरी तरह से नकार दिया है। अधिकारियों ने इस बारे में बताया कि फिलहाल भूकंप के झटकों की किसी तरह की सूचना उन्हें नहीं मिली है। जालौर कलेक्टर बाबूलाल कोठारी ने भी भूकंप के झटके आने की खबर से इनकार किया है। न्यायपालिका के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब आज सुप्रीम कोर्ट के जज मीडिया के सामने आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोर्ट के प्रशासन पर कई आरोप लगाए। Therefore, we were left with no choice except to communicate it to the nation that please take care of the institution and take care of the nation. Because we have heard a lot of wise men talking in this country earlier. I don't want another 20 years later some very wise man in this country. इनमें जस्टिस चेलमेश्वर, मदन लोकुर, कुरियन जोसेफ और रंजन गोगोई शामिल है और इस घटनाक्रम के बाद केंद्र सरकार में भी हलचल तेज हो गई। जस्टिस चेलमेश्वर के घर आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। उनका कहना था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाने का निर्णय उन्हें मजबूरी में लेना पड़ा। उन्होंने कहा कि देश का लोकतंत्र खतरे में है और सुप्रीम कोर्ट का प्रशासन ठीक से काम नहीं कर रहा। साथ ही चीफ जस्टिस पर अब देश को फैसला करना होगा। जस्टिस चेलमेश्वर ने बताया कि करीब 2 महीने पहले चारों जजों ने चीफ जस्टिस को पत्र लिखा और उनसे मुलाकात की थी। इस दौरान अनियमितताओं और कई गड़बड़ियों की शिकायत भी की थी। उनका कहना था कि न्यायपालिका की निष्ठा पर सवाल उठाए जा रहे हैं फिर भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही। उधर जजों के आरोपों और चिट्ठी के बाद पीएम मोदी ने कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद से फोन पर बात की। हालांकि सरकार का मानना है कि यह शीर्ष अदालत का अंदरूनी मामला है। वहीं पूरे मामले को लेकर चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से मुलाकात की। संभावना है कि चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उधर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और वकील सुब्रमण्यम स्वामी ने इसे बेहद गंभीर मामला बताया। स्वामी ने पीएम नरेंद्र मोदी से इस मामले में दखल देने की मांग की। वहीं वरिष्ठ वकील उज्ज्वल निकम ने कहा कि ये न्यायपालिका के लिए काला दिन है। उनका कहना था कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हर कोई न्यायपालिका के फैसले को शक की निगाहों से देखेगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने गुरुवार को एक साथ 31 सैटेलाइट की लॉन्चिंग की। इनमें अमेरिका समेत 6 देशों के 28 सैटेलाइट्स शामिल हैं। साथ ही इसरो का बनाया 100वां सैटेलाइट भी इनमें शामिल है। भारतीय स्पेस एजेंसी की इस कामयाबी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों को बधाई दी है।
यह दूसरा मौका है जब इसरो ने एक साथ इतने सैटेलाइट स्पेस में भेजे हैं। पिछले साल फरवरी में 104 सैटेलाइट भेजकर इसरो ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। मौजूदा मिशन में भेजे गए सभी सैटेलाइट्स का वजन 1323 किलोग्राम है। भारत के अलावा इनमें कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, साउथ कोरिया, ब्रिटेन और अमरीका के सैटेलाइट शामिल हैं। गौरतलब है कि इसरो के पास 16,000 साइंटिस्ट हैं, जबकि अमेरिका के नासा के पास 17,500 और रूस के पास 23,800 वैज्ञानिक हैं। भारत ने पहली कोशिश में ही मंगल मिशन कामयाब कर लिया था, जबकि अमेरिका 5 बार और रूस 8 बार में सफल हो पाया था। इसरो के डायरेक्टर एम अन्नादुरे के मुताबिक चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग इस साल की पहली तिमाही में करने की योजना है। चलते चलते एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। विश्व हिंदू परिषद ने करवाया हाड़ौती बंद, व्यापारियों के साथ हुई झड़प, भारी जाप्ता रहा तैनात। उपचुनाव में हुआ युवा प्रत्याशियों का बोलबाला, 60 पार के चुनिंदा उम्मीदवारों ने ही पर्चे भरे। प्रत्याशियों ने समर्थन की लगाई गुहार, गली गली जाकर किया प्रचार। वी सतीश और धारीवाल ने भी किए दौरे। प्यार की खातिर फंदे पर झूली महिला कांस्टेबल, मौत से पहले का वीडियो हुआ वायरल। स्पार्कल प्राइम इंडिया न्यूज में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।